अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा 1:30, तो अभी अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। एंड धूप इतनी तेज़ है आज, हमेशा बोलती हूँ अच्छा हुआ है ठंडी है, बारिश होती वेदर है बोल के, लेकिन आज धूप इतनी है गाइस। अपन तो घर में रह रहे, लेकिन जो बाहर धूपों में काम कर रहे हैं उन लोग के वास्ते दुआ करो। बहुत धूप है गाइस, बहुत धूप है। तो बस अल्लाह सब्र देना। बस आज है 27th रोज़ा और 27th इफ्तारी, रमज़ान का 27th डे हो गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान कैसा गया समझ में नहीं आया गाइस, इतना फास्ट गया। बहुत गम भी हो रहा, रमज़ान चल जा रहा, इतना अच्छा रहता सहरी इफ्तार, टाइम किधर चल जाता था, नमाज़ों में, कुरान शरीफ में, मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता था, बस यही रहता था पकाए बाद में नमाज, खाए बाद में नमाज और कुरान शरीफ पढ़ो, मतलब इबादत में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे। वैसे तो नॉर्मल भी लगाते अपन, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते, लेकिन उस टाइम ऐसा रहता था कुरान शरीफ ये टाइम से ये टाइम कंप्लीट करना रहता। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अभी क्लीनिंग कर रही थी मैं घर, क्लीनिंग तो डेली रहता ना गाइस, झाड़ू पोछा ये चीज़ा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा ऑलमोस्ट 3:30, तो अपना व्लॉग जब से स्टार्ट है। अभी झाड़ों को पानी डाल रहे थे हम लोग, यहाँ पर वॉश कर रहे थे। अली मेरे को थोड़ा सता रहे, बीचों में आ जा रहे। अली नो, हाँ तो अली क्या बनाना आज इफ्तारी में कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ना गाइस आज हम लोग को थोड़ी बहुत ईद के ड्रेसेस तो शॉपिंग हो गई, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती ना वो करना है, लाइक बैंगल्स वगैरह, मेहंदी वगैरह, ऐसे चीज़ें लेना है। घर भी क्लीन हो गया, लाइट्स ऑफ करके रखी मैं आज ना। रोज़ा ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन पानी की प्यास बहुत लग रही गाइस। तो चिकन निकाल लेंगे अपन। तो ये चिकन को मैं पानी में डाल दी, बिकॉज ऊपर रखी थी फ्रिज में, ठीक है। इसको अपन आइस बन गया ये। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, ये रिक्वेस्ट था बहुत जनों का, ये रेसिपी करेक्ट और पूरी शेयर करो बोल के। तो ये रेसिपी बहुत जनों का हमारे डिमांड था कि ये रेसिपी शेयर करो बोल के फिर से। तो चलो इसको अपन कट करेंगे। लेकिन चिकन पका देना, बिल्ली हमारी यहीं से रहती तो बहुत तेज़ है मालूम है, इसको वॉश भी करी मैं, वॉश करके भी काट रही हूँ तो भी बहुत तेज़ है प्याज, मेरे आंखों में पानी रुक रहा है इसमें। तो अभी इसको ऑनियन को लाल करना है अपने को, ठीक है। तो ये चिकन का सालन बना रही हूँ मैं गाइस, आलू डाल के, बहुत यम्मी रहता। बनाई थी एक बार, लाइट नहीं थी देखो जब शेयर करी थी, लेकिन उन लोग को थोड़ा समझ में नहीं आया था, तो आज क्लियर सिखाओ बोल रहे थे लोग। तो इंशाल्लाह मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, ठीक है। चलिए सालन पहले बना ले रही हूँ, 4:30 हो रहे, बिकॉज ना इफ्तारी में, इफ्तारी के बाद में हम लोग को जाना है बाहर, तो रहता ना ईद के अभी थोड़े बहुत शॉपिंग करना है उसके वजह, ठीक है। तो इसलिए पहले सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं, उसके बाद मैं देखेंगे इफ्तार में और चटपटे कुछ बनाए तो मैं आगे शेयर करूँगी, ठीक है। मैं तो सोच रही थी सालन रोटी खाना बना लेंगे आज, ज़्यादा कुछ फ्राई नहीं करेंगे, ऑयली चीज़ा। तो अब देखेंगे हस्बैंड आए बाद में उनका डिमांड क्या रहता, कुछ बनाओ बोलते या नहीं, तब तक तो अपन सालन बना के रख लेंगे। तो ऑनियन को अच्छे से अपन को फ्राई कर लेना है। और बिल्ली हमारी चिकन धोते ना, जब से बिल्ली हमारी यहीं से रहती उसको मालूम हो जाता। 4:30 हो रहा, लेकिन धूप इतनी है देखो, खतरनाक धूप है। ये गली भी वॉश करे तो फिर भी डस्ट आते रहती ना, मेरे को ना फ्रेश वाला रहा तो अच्छा दिखता, मतलब ऐसा पीस के डालना बहुत पसंद। तो इसको अपन पीसेंगे मोटा मोटा, जितना फ्रेश रहता ना उतना अच्छा रहता। तो मैं इसको पीस के मिलती हूँ आपसे। चिकन अच्छे से वॉश हो गया गाइस, तो अपन बनाएंगे इसका सालन, ठीक है। चलिए ये रेसिपी में अपन जब बनाते हैं ना, तो दही को अच्छे से मिक्स करना, नहीं तो इसके जो रहते ना तब फटाफटा दूध दिखता, इसके वजह से पहले दही को अच्छे से मिक्स करना। ये स्पेशली ये रेसिपी में मैं तो आपको ना
सालन का लुक डिफरेंट हो जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। लाल मिर्ची जितना आपको टेस्ट, जितना आप खार खाते उतना। और यहाँ फ्रेश अदरक लहसुन डालेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा खड़ा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डाली उसमें मैं, शाह जीरा, दालचीनी और इसमें डाली मैं इलायची, बस ज़्यादा कुछ, ज़्यादा मसाले नहीं डाली बिकॉज गर्मी है ना, हैवी हो जाता गरम मसाले ज़्यादा डाले तो। तो अभी इसमें डालूँगी दही, तो इसमें डालूँगी दही, अपन मिक्स करेंगे, ठीक है। चलो तो मिक्स कर दी मैं, अभी इसको पीस के मिक्सर में रखूँगी। इसमें मिक्स नहीं करना है गाइस, इसको जब ये कुक होता ना, जब इसके अंदर डालना है। प्याज को अब मैं पीस के रखूँगी। चिकन डाल दी, अब इसको अच्छे से भूनना है अपने को, थोड़ा पानी डाल के, जो ये भगोने में मसाला था ना, तो इसमें पानी डाल के भूनना है बिकॉज इसमें मसाला रहता ना। तो उसके बाद में डालूँगी मैं प्याज, जो बताती हूँ मैं, जो ये पीस के रखी ना मैं प्याज, जब डालूँगी आलू भी उसके साथ ही डालूँगी, ठीक है। चलिए इसको भूनेंगे अपन। मैं ऐसा काट ली गाइस, और अपन इसमें डाल देंगे अब आलू को, ठीक है। एंड आलू ये अच्छा चिकन पानी छोड़ेगा मैं जब अपने को प्याज डालना है, ठीक है। तो चलिए आई थिंक ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती हूँ, स्पेशल जो डिमांड करे थे उन लोग के वास्ते बताई मैं ये, ओके। तो सोचिए चलो आज भी बना लेंगे। और इफ्तार में ना कुछ भी फ्राई वगैरह नहीं बना रही हूँ बिकॉज खा खा के बेजार हो गए, और गर्मी भी है तो पकौड़ी ये वो चीज़ें खाना दिल नहीं बोल रहा, तो बस ये बनाएंगे और ज़ीरा राइस बनाएंगे, ठीक है। चलिए ब्लॉग चल रहा, मैं लाइटा हमेशा बंद करके रख रही हूँ, लाइटों से ना बहुत गर्मी हो रही यार, हम लोग का मालूम ना ऊपर तो पोषण कुछ भी नहीं है इसके वजह से, तो लाइटों से बहुत गर्मी हो रही है। अली थोड़ा रो रहे बिकॉज किचन में बिजी रहती ना मैं, तो थोड़ा सताते। अभी नो आए हमारे हस्बैंड, तो 5 होने आ रहा टाइम, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को किचन में। तो दिमाग लगा के देखो ये रेसिपी, ठीक है। तो इस पर आप डालेंगे अपन प्याज जो फ्राई करे थे ना आप, ठीक है। और दही को जितना अच्छा मिक्स करें ना उतना अच्छा आपको नहीं दिखता रेसिपी, मैंने तो ना दही पूरा ना इसमें ऐसा दिख जाता दूध दूध के जैसा। और इसको अच्छा पकने देना आप प्याज को, और चाहे तो आप और थोड़ा पानी डाल सकते जितना आपको ग्रेवी होना। अब ऑनियन डालने से क्या होता है ग्रेवी बनता, नहीं तो नॉर्मल पानी दिख रहा था सालन में। आलू भी डाल दी थी मैं, और इसको मैं लास्ट में खोद में डाल दूँगी, और इसको अच्छा पकाऊँगी थोड़ा पानी डाल के। चलो ये हमारे नेबर से आई आज इफ्तारी, तो ये आए दही वड़े, दिखाती हूँ मैं, ये आए दही वड़े, ठीक है। तो चलिए आज मैं नहीं बनाई थी दही वड़े, तो आ गए, चलो मिलती हूँ। चिकन करी रेडी हो गई, मेरे आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये देखो ज़बरदस्त। और इसके साथ जीरा राइस बनाई मैं, तो देख सकते आई थिंक आपका पूरा डिमांड कंप्लीट हो गया होगा। तो ऐसा बनाओ मज़े का रहता, खाओ। ऑयल डाली, अदरक लहसुन डाली, जीरा डाली, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी बिकॉज इसमें हरी मिर्ची वगैरह डाले तो मेरे किड्स नहीं खाते, ठीक। तो ये बन रहा हमारा ज़ीरा राइस, इसमें नमक भी डाल दी मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाली, बस ज़ीरा थोड़ा अदरक लहसुन। तो गाइस एक बैड न्यूज़ है, तो मैं जल्दी जल्दी सब चीज़ें बना ली और ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बनाई, इसलिए आज हम लोग को जाना था शॉपिंग को, बट हमारे हस्बैंड के सर में दर्द शुरू हो गया, इसके वजह से रोजे रह रहे ना गाइस, तो ऑफिस से आ रहे धूप में, तो इसके वजह से सर में दर्द शुरू हो गया तेज़, माइग्रेन का जो सर में दर्द होता ना गाइस वो शुरू हो गया, वो मालूम ना कितना ख़तरनाक होता। तो अभी रेस्ट करेंगे, देखेंगे जब तक 10, 10:30 या 11 बजे तक अगर कम हुआ तो जाएंगे शॉपिंग को। अभी मैं इनको टैबलेट दूँगी रोज़ा खोले बाद में फ़र्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज सर में बहुत दर्द है इनके, हमारे हस्बैंड के। तो अभी कुछ अभी फास्ट काम करने की चीज़ें उतने है नहीं, वो चीज़ बहुत ख़तरनाक दर्द होता सर में जो माइग्रेन का रहता ना, बहुत ख़तरनाक होता, धूप के वजह से हो रहा और रोज़ा भी रह रहे ना वजह से। और हमारे हस्बैंड पूरे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह थे,
और बोल रहे ऊपर के भी जो 6 रोज़े रहते ना वो भी रहते बोल रहे थे, तो देखेंगे हो सका तो। धूप तो और तेज़ होने वाली है। चलो गाइस मिलती हूँ, अभी टाइम बहुत है, आधा घंटा है, तो अभी ये मैट बिछाई में अभी दस्तरखान लगाऊंगी। सर में माइग्रेन का दर्द रख के भी बोले माय फ्रूट्स काट तुम सलमा, तुम्हारे को कामा बहुत हो गए सलमा। तरबूज काटने से क्या होता, मेरे कामा कम होते? या जवाब दियो जवाब, थोड़ा तो कम होता तो चलो गाइस एक काम तो आसान होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी दस्तरखान बिछाएंगे, तो आप चाहे तो इतनी ग्रेवी रख सकते गाइस। तो मैं डिश आउट कर रही हूँ, टाइम हो रहा है इफ्तार का। तो ज़ीरा राइस बन गया सिंपल वाला, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाली मैं इसके अंदर, बिकॉज किड्स नहीं खाते। तो फ्रेंड्स ये है हमारा जूस, एप्पल जूस, और ये है चिकन करी स्पेशल और इफ्तार में आज, ठीक है। ज़बरदस्त लुक अच्छा आया ना, तो टेस्ट भी अच्छा रहता। और ये है ज़ीरा राइस, आज का हमारा इफ्तार का दस्तरखान मैं बता रही हूँ। और ये तरबूज, मैंगो, एप्पल, खजूर, और ये आई हमारी इफ्तारी बाजू वाले से, और इनके भैन बड़े हैं, इनके फैमिले ने बेसन के फैमिले माउस, ये है। तो आज की तैयारी काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आज सीधा हम लोग सालन बना लिए, खाना बना लिए, ऑयली चीज़ हम कुछ भी नहीं बनाए, फिर ऑयली चीज़ आए हमारे पास आज। तो चलो किस्मत में है खाने का। तो ये है आज की तैयारी हमारी ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और आज है अलविदा जुम्मा। तो आप सबको अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक, और एक साइड से रमज़ान भी जा रहा, तो खुशी भी हो रही ईद आ रही बोल के, और रमज़ान भी जा रहा है, तो एक गम रहता ना वैसा हो रहा, और ना इतना अच्छा था ये साल रमज़ान माशाल्लाह, नेक्स्ट ईयर भी और भी अच्छा आना सबके लिए, मैं तो ये दुआ करूँगी इंशाल्लाह। हाँ, ये रेसिपी ना हमारे सब्सक्राइबरों का डिमांड था, तो उन लोग के वास्ते शेयर करी, बिकॉज उन लोग बोल रहे थे आपके रेसिपीज़ में हम लोग हमेशा ट्राई करते दीदी, तो आप प्लीज़ इसका ना क्लियर अच्छे से बताइए बोल के, तो मैं आप लोग के वास्ते शेयर करी। तो ट्राई करो, खाओ, एंजॉय करो, अभी क्या करना है लाइफ में। और ना गाइस आज हम लोग जाने वाले थे शॉपिंग को, और हमारे हस्बैंड को सडन हो गया सर में दर्द हो गया, या मतलब रोज़े में थे ना तो धूप में आ रहे थे, माइग्रेन का दर्द हो गया, तो इसके वजह से। तो इंशाल्लाह टैबलेट वगैरह खाए अभी रोज़ा खोल के। तो ये था आज का रेसिपी, और ना मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाई आज, लाइक फ्राइज कुछ भी नहीं बनाई, दही बड़े, और बहुत खाली है गाइस, बहुत हो गया बॉडी ऐसा दिख रहा, वेट ज़्यादा हो गया जैसा दिख रहा रमज़ान में, तो इसके वास्ते ना मैं ज़्यादा कुछ भी आज नहीं बनाई। अब मैं यहाँ से लाइट लाइट बनाती हूँ, बट आप लोग को डिफरेंट रेसिपीज़ अभी है ना रमज़ान, तो शेयर करूँगी, एक दो दिन आता हूँगा मेरा ब्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आई थिंक आप लोग को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, फिर मिलते हैं ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़। ज़रूर मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना गाइस, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस, लाइक कर देना।